कि उनकी क्षेत्रीय जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं और जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं आदरणीय भाई युगल सेठी जी, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय सर शर्मा जी, मेरे साथ ही जम्मू जिला के अध्यक्ष हमारे और चेयरमैन कमेटी के, और उसके साथ साथ जम्मू जिला के हमारे युवा साथी और हमारे प्रभारी भी हैं और महामंत्री भी हैं जम्मू जिला के, हमारे कार्यकर्तागण, हमारी बहनें, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिस प्रकार से पिछले दिनों में जब नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन था उस अवसर पर ये पूरे देश भर के अंदर ऐसी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है जिसके माध्यम से पिछले 5 सालों के अंदर किस प्रकार से भारत का विकास हुआ, किस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर हम लोग अंधेरा दूर करके उजाले की तरफ बढ़े, किस प्रकार से हमारे सैनिकों का बॉर्डर के ऊपर सम्मान बढ़ा, किस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और किस प्रकार से पूरे विश्व भर में भारत माता का नाम ऊंचा हुआ, किस प्रकार से हम गुड गवर्नेंस की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, साफ नीयत के साथ अपने देश की संस्कृति को बढ़ाते हुए अपने देश की संस्कृति को आगे लाकर नया इतिहास लिखकर जो अविश्वास पैदा हो चुका था लोगों के अंदर अपनी लीडरशिप के लिए, अपनी राजनीति के लिए, कांग्रेस के प्रति, और एक सोच बन चुकी थी कि क्या होगा इस भारत देश का, पर समय आने के बाद भारत देश को एक अच्छी ऊंचाई पर लाने का कार्य करते करते लोगों के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर एक दोबारा विश्वास किया कि जो लीडरशिप अब आई है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, ये भारत को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। धन्यवाद सुनील जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित युगल सेठी जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हमारे महामंत्री, हमारे दोनों जिलाओं के अध्यक्ष बलदेव बलूरिया जी, चेयरमैन जेएमसी अयोध्या गुप्ता जी, सुनील जी महामंत्री, इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के दोनों हमारे जिलों के प्रमुख पदाधिकारीगण, मेरी मातृशक्ति दोस्तों साथी, आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी जी के जो कार्य हैं, हालांकि जो 5 वर्ष के अंतराल के कार्य हैं, मेरा मानना है कि अगर हम लोग उनके सभी कार्यों को, उनकी सभी योजनाओं को एक जगह पर उसका वर्णन करने का प्रयत्न करें तो मेरा मानना है कि बहुत कम प्लेस है जो जिसके लिए जो दिया गया है, क्योंकि लगातार से जो 5 वर्ष के अंतराल में उन्होंने इस देश के लिए कार्य किए, इस देश में जनधन योजना के माध्यम से जिसकी शुरुआत, स्वच्छ भारत एक रचनात्मक कार्य जिसके माध्यम से उसकी शुरुआत, कि मेरा देश जो है वो स्वच्छ रखे बने, इसके लिए हम हर नागरिक को जो है वो कार्य करना है। देशभर में आम नौजवानों ने इसको अपना एक ऐसा कार्य बना दिया, जिस तरीके से हम लोग उठते हैं, तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही हर युवा के मन में आज ये है कि मेरा भारत स्वच्छ कैसे दिखे। पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन जो है बड़े उत्साह से मना रहा है, हर जगह पर सेवा के कार्य, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 5 वर्ष के अंतराल में, जो पिछली सरकार के समय में उनके कार्य हुए हैं,
जो 100 दिन के उनके कार्य हुए हैं उनको लेकर एक प्रदर्शनी जो है यहाँ पर आयोजित की गई है। अलग अलग से नरेंद्र भाई मोदी जी के डेवलपमेंट के कार्य, अलग अलग से नरेंद्र भाई मोदी जी के रचनात्मक कार्य, उन सब कार्यों को लेकर लोगों के बीच में जाना और आम जनता जो है लगातार से यहाँ पर आकर जो है इन इस प्रदर्शनी को जो है वो देख रही है। युद्धवीर सेठी जी की देखरेख में जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के हमारे महामंत्री हैं, आज दोनों जिलाध्यक्ष बलदेव बलोरिया जी भी, अयोध्या गुप्ता जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर आज मैं इस प्रदर्शनी को देखने आया हूँ। अविनाश राय खन्ना जी की ने इनकी शुरुआत की थी। 7 दिन तक ये प्रदर्शनी चलेगी। पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है, जो हमारे चुने हुए कारपोरेटर्स हैं, चुने हुए हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सब जो हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारे राज्यसभा के सदस्य भी जो हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हर स्कूलों में जा रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के जो कार्य और सेवा के रूप में हम इस सप्ताह को जो मना रहे हैं, से नो टू पॉलिटिक्स और एक स्वच्छ भारत की कल्पना, योगा जो पूरे विश्व को नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, ऐसे कई रचनात्मक कार्यों को लेकर लोगों के बीच में जाना, लोगों को बताना और हम सबको भी नरेंद्र भाई मोदी जी के इस कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किए हैं उसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, ताकि हम सब भी मिलकर जो जिस तरीके से देश आज पिछड़ता हुआ देश भारत जो था आज यहाँ तक पहुँचा है, आज जो विश्व में सबसे अग्रणी देश है उस पंक्ति में लगभग सबसे आगे खड़ा हमारा भारतवर्ष है। और मेरा मानना है कि जब सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर, उनके रचनात्मक कार्यों से, उनके जो कार्य डेवलपमेंट के लिए उन्होंने इस देश के लिए किए हैं, उनको उनके साथ साथ जब हम चलेंगे तो इस देश को जो है एक नई दिशा मिलेगी, इस देश की दशा में सुधार होगा। मैं पुनः युद्धवीर जी का, बलोरिया साहब का, अयोध्या जी का और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आज का ये जो प्रोग्राम है, जब नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन था उस दिन इसका इनॉग्रेशन पूरे देश भर में की गई और पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार की एग्जीबिशन लगाई गई, जिसके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धियां थी, जिस प्रकार से उन्होंने हर व्यक्ति को जोड़ने का काम किया, गाँवों को ऊपर लेके जाने का काम किया, दिव्यांगों के लिए खासकर काम किया उन्होंने पूरे देश भर के अंदर, और जिस प्रकार से जो पहले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते थे जैसे लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी जैसे लोग जिनको मान सम्मान नहीं मिलता था, उनकी बड़ी से बड़ी विशाल प्रतिमा बना के उन लोगों को मान सम्मान दिलाना, एक परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने जिस प्रकार देश का विकास किया, गरीबों का उत्थान किया, जिस प्रकार से उन्होंने सीमाओं पर बैठे हुए जो हमारे फौजी भाई थे उनका कद बढ़ाया उन्होंने, जिस प्रकार से विश्व के अंदर देश भर का कद बढ़ा और जिस प्रकार से अंतरिक्ष के अंदर भी जाकर हम लोगों ने तरक्की की और एक नया आयाम छुआ हम लोगों ने, जिस प्रकार से सेनाओं के अंदर हम लोग आज गर्व से कह सकते हैं और पाकिस्तान को जिस प्रकार से हमने मात दी, इन सब को देखते हुए जिस प्रकार से गरीबों के लिए हमने उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर दिया, जिस प्रकार से हम लोगों ने मकानों का जो मकान बनाए गरीबों के लिए, एक ऐसी यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 130 करोड़ लोगों की बात की, चाहे SC OBC मुस्लिम भाई, सिख समाज, हर समाज को एक बार बराबर का नाप तोल कर उनको ऊपर लेके गए, उनकी डेवलपमेंट की, उन्होंने अंधेरे से उजाले की तरफ देश को बढ़ाया, एक विश्वास पैदा किया लोगों के अंदर, जो लोगों में विश्वास पैदा हो चुका था राजनीतिक लोगों के लिए, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पिछले 10 सालों में चरम सीमा पर थी और इन आने वाले 5 वर्ष जो बिजरे हैं, जो निकल चुके हैं, और अब भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोगों में विश्वास पैदा कर दिया और अपने देश के लिए, भारत माता के लिए, तिरंगे के लिए जो समान, जो राष्ट्रीयता की भावना पैदा की, इस सब की एग्जीबिशन लगी हुई है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से शत शर्मा जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के भूतपूर्व, वो हमारे साथ आए, हम सब ने मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे आज इस प्रदर्शनी को देखा। 20 तारीख तक शाम 4 बजे तक ये प्रदर्शनी है, आप सब आएँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जम्मू के लोगों से भी ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ, जिस यशस्वी प्रधानमंत्री को हमने प्रचंड बहुमत दिलाया, ये उन्हीं की एग्जीबिशन, आप आएँ और उनका देखें उन्होंने किस प्रकार विकास किया और आने वाले समय किस पर विकास करेंगे। मैं मीडियम्स के माध्यम से यही सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ।